नायरा कैन यू? शेरनी मेरी फाइटर तलवार दे दी तुम्हारे हाथ में, अब लड़ना तो। तुम्हें लड़ना होगा मेरे लिए, कायरा के लिए। प्लीज नायरा, कार्तिक ने तो कमाल ही कर दिया सच में। हाँ, सिर्फ नायरा के लिए नहीं, हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं सबके लिए, सबको राहत मिली होगी और उनके घर वालों को भी। पर कार्तिक है कहाँ? आता ही होगा अभी। बस एक बार अंदर से नायरा की खबर आ जाए तो दिल को तसल्ली मिले। कैसे है नायरा बेटा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? सर्जरी तो ठीक से चल रही है ना? नहीं, लाइट जाने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? पावर नहीं होने की वजह से ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा उनका, पर डॉक्टर साहब ने सबको संभाल लिया है। लाइट आ गई है, हम ऑपरेशन फिर से शुरू करेंगे। आपने सुना ना, मेरी नायरा ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से कार्तिक, तुमने उसे बचा लिया। नहीं लक्ष्मी, हम सब मिलकर लड़े हैं और सबसे ज्यादा नायरा। मेरी शेरनी अब भी लड़ रही है माँ। ठीक है ना सब? प्लीज डॉक्टर बताइए ना। क्या भाई, कहाँ है मेरी काजू कतली? अरे भाई, मिठाई नहीं खिलाओगे? कल कहा था ना लड्डू तुम खाना, मैं बर्फी खाऊंगा। कहाँ है मेरी बर्फी? मतलब डॉक्टर साहब, नायरा की सर्जरी, उसका ऑपरेशन वो। अरे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बताइयो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। पर मेरी नायरा कैसी है? हाँ, अब होश कब तक आएगा उसे? मैं अंदर जा सकता हूँ उससे मिलने? हमें भी जाना है, हम जा सकते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सब्र रखिए। आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम में हिम्मत और पेशेंस हो तो हम क्या नहीं कर सकते। आज जब इतने सारे लोग हिम्मत छोड़ रहे थे, सब जगह पैनिक मचा हुआ था, तो आप सब लोगों ने सिचुएशन को संभाल लिया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। कार्तिक ने जो किया सो किया। स्टाफ ने मुझे बताया कि आप लोगों ने क्या क्या किया। आजकल कौन करता है इतना कुछ किसी के लिए? थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। ना सिर्फ नायरा बल्कि दूसरे पेशेंट्स के लिए इतना कंसर्न, इतनी हेल्प, शायद उसी का फल मिला आपकी नायरा को। उन्हीं लोगों की दुआओं का असर है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी सब कुछ परफेक्ट हो गया। मतलब अब सब ठीक है ना? तो सर्जरी सक्सेसफुल, मतलब नायरा को अब कोई सर्जरी सक्सेसफुल होने का मतलब अभी तक सिर्फ ये है कि हमने ब्रेन से प्लॉट को निकाल दिया। अब बाकी हमें तब पता चलेगा जब उनको होश आएगा। आप लोग अभी क्या सोच रहे होंगे, पर आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ भी कह नहीं पाऊंगा। द पॉइंट इज कि किडनी, लिवर, स्टमक ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे, ये किसी हद तक बताया जा सकता है। ब्रेन भी एक फिजिकल एस्पेक्ट है, मगर इसमें इसके साथ साथ उसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है। इसलिए ब्रेन के बारे में बताना इट्स डिफिकल्ट। कब क्या देख के क्या याद आ जाए, क्या भूल जाए, किस बात का स्ट्रेस ले ले, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। को अब हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, पर आप लोग उनसे तभी मिल पाएंगे जब उनको होश आएगा। तभी आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो कब तक होश आ जाएगा नायरा को? आई थिंक सुबह तक आ ही जाएगा शायद। और जब होश आएगा भी तो उसे क्या याद होगा क्या नहीं पता नहीं। हम सबको पहचानेगी भी? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा जी? क्या क्या जी? ऐसे क्या बात कर रहे हो जैसे जानती नहीं हो तुम मुझे? मैं कोई अनजान हूं क्या? एक्सक्यूज मी, आप अनजान ही तो हैं। मैं क्या जानती हूं आपको? नायरा, मैं कार्तिक हूं, तुम्हारा कार्तिक। जी देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं नहीं जानती आपको। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। नायरा प्लीज, देखो ऐसे मजाक मत करो मेरे साथ, तुम मेरी नायरा हो ना। आप अब एक बार में क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कहा ना आपको मैं आपको नहीं जानती। आप प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए, देखिए नहीं तो मैं। नायरा प्लीज, याद करने की कोशिश करो। नायरा प्लीज। पुलिस कंप्लेंट तो हमें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कल को हमको ही मुश्किल पड़ेगी। एक बार डॉक्टर साहब, कब होश आएगा नायरा को? बेबी सुबह। क्यों, क्या हुआ? आपने परेशान क्यों? सोच के मैं पागल हो जाऊंगा। कभी अपने आप को पूरी तरह कन्विंस कर लेता हूं कि नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकती, और फिर डर लगने लगता कि अगर वो मुझे भूल गई तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। डॉक्टर साहब अगर पूरी रात भर ऐसे ही सोचता रहा तो सुबह तक तो देखिए आप मुझे कोई दवाई, कोई इंजेक्शन दे दीजिए जिससे मैं सो पाऊँ, वरना मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। देखिए मुझे तब तक सब्र नहीं आएगा जब तक मुझे पता ना चल जाए कि नायरा को मैं याद भी हूँ या नहीं। या तो आप मुझे उसके पास ही लिटा दीजिए ना, जैसे उसकी आंख खुलेगी तो मुझे देखेगी और मुझे समझ में आ जाएगा। शांत हो जाओ कार्तिक, काम डाउन प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन दे दीजिए जिससे मैं सो पाऊँ प्लीज, वरना मैं पक्का मर जाऊंगा। नहीं भूल सकती तुम मुझे, नहीं भूल सकती मैं। की तरह वो जलाता है। कल सुबह तक का इंतजार बहुत मुश्किल से होगा। मन घड़ी घड़ी बेचैन सा हो रहा है। सबका यही हाल है स्वर्णा। इस काली अंधियारी रात में उम्मीद की एक छोटी सी किरण है, बस उसी के सहारे हम सब आने वाली सुबह का इंतजार कर रहे हैं। सबकी रक्षा करना भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है भगवान, कृपा करना। सब बहुत टेंशन में है प्रिंसेस। सुबह उठ के सबको खुश कर देना, सबको पहचान लेना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।